आईटीबीपी से सिकरेश्वर भी लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है, और ही इतना सारा सामान लेकर के चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे गिरनारी महाराज भी तपस्या कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ सिकरेश्वर। मेरे साथ में एक आए हुए हैं भक्त वहाँ दिल्ली से, तो उनको सिकरेश्वर में दर्शन करना था, तो उनको लेकर के जा रहे हैं सिकरेश्वर। और पर रहेंगे मनसुख लाल जी, और इनके साथ में बछड़ी और गाय, और ये राजा साहब, ये सब यहीं पे रहेंगे। और मैं जा कर के आता हूँ इनको दर्शन करा करके। हम पहुँच चुके हैं बसुंगा के गेट पे, और उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, और इस गाड़ी से हम जाएंगे आईटीबीपी, और फिर आईटीबीपी की तरफ से ऊपर चढ़ेंगे सिकरेश्वर के लिए। आज पूरा मौसम साफ है, धूप निकली हुई है चारों तरफ। ये थैली में सब्जी हो गई है, और ये दाल हो गई, और इसमें दूध है और बिस्कुट है। अब ये सब ले चलेंगे सिकरेश्वर। सामान ले लिए हैं, अब निकल रहे हैं। चुके हैं आईटीबीपी, अब यहाँ से चलेंगे ऊपर सिकरेश्वर की तरफ। इतना सारा सामान है, लगभग 8-10 किलो होगा। अभी आईटीबीपी कैंप ख़त्म हो रहा है, और अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे सिकरेश्वर के लिए। आईटीबीपी से सिकरेश्वर भी लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है, और ही इतना सारा सामान लेकर के चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कुछ सब्जी है, दाल है, जो ज़रूरी सामान है, वो ऐसे जब भी हफ्ते 10 दिन में जाते हैं तो लेकर के जाते हैं। कोई ना कोई आता रहता है, तो उसके साथ में हफ्ते 10 दिन में एक बार जाना हो ही जाता है। अब सारे सामान के साथ में हम पहुंच चुके हैं सिकरेश्वर महादेव। सामने आश्रम दिख रहा है। बस थोड़ा और रह गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव को दर्शन कराते हैं सिकरेश्वर महादेव जी के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो यहाँ पे गिरनारी महाराज भी तपस्या कर रहे हैं। जय माता दी, हरी माँ के दर्शन करो। महाराज जी के भी दर्शन कर लो, महाराज जी के दर्शन।
हे हरी हे हरी हे हरी महाराज। वहाँ जो बड़ा वाला पानी का हौज है उसके ऊपर जो पुरानी जाली है उसी को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वेल्डर है उसको अभी नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो जो जाली है वो अभी आधी ख़राब जैसी हो गई है। जब वो जाली पूरी ख़राब हो जाएगी तो जाली और भी थोड़ा एंगल ले आ करके पूरा उसको वेल्डर ले आ करके नया पूरी बनाना पड़ेगा। तो अभी जब तक ये जाली चल रही है तब तक इसी को चलाएंगे ये सरिया लगा करके। ये है हौज, इसके ऊपर की जाली अभी निकाल दिए हैं क्योंकि उसका जो फ्रेम था वो लकड़ी का था वो सड़ गया था, तो अभी ऐसे टेम्परेरी काम करेंगे, बाद में अच्छा वाला काम बाद में करेंगे जब वो पूरी जाली ख़राब हो जाएगी और फिर नई जाली ले आ करके फिर दूसरा काम करेंगे। लग गया चारों तरफ से, और अब इसके ऊपर ये जो जाली पड़ी हुई है इसको खोल करके और इसके ऊपर अभी सिर्फ टेम्पररी काम कर रहे हैं क्योंकि ये जाली भी क्या सड़ गई है लगभग। तो मैं सोच रहा हूँ जितने दिन चले चले, फिर उसके बाद में जब नई जाली लगेगी फिर एक साथ अच्छा वाला काम करेंगे बाद में। तब तक इसी को इस पर एडजस्ट कर देते हैं। अभी लगा दे रहे हैं, अब देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है। ये छोटी वाली कीली है और ये ऐसे टेम्पररी काम हो रहा है। चूहा बुआ गिरे नहीं? हाँ, सिर्फ चूहा नहीं गिरे और कोई जानवर नहीं गिरे, बाकी तो बाद में करेंगे पूरा काम। ये हौज के ऊपर अभी टेम्परेरी जाली लगा दिए हैं और अभी तार ले आ करके इसको सिलेंगे, तब जा करके ये ठीक हो जाएगा और ये 6 महीना चल जाएगा। फिर 6 महीने के बाद में आगे का कार्य करेंगे। ये पूरा है शिखरेश्वर धाम में शंकर स्वामी जी का आश्रम, और यहाँ से खूबसूरत शिखरों के जो दृश्य हैं सामने, पहाड़ों के उत्तंग शिखर हैं। अभी सूर्यास्त होने वाला है और हवा भी बहुत तेज चल रही है, और मैं आपको दर्शन करा देता हूँ भगवान श्री कृष्ण के। यहाँ पर खड़े होकर के बंसी बजाते रहते हैं, ये देखिए हमारे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। तो दोस्तों आज पानी वाले हौज के ऊपर जाली लगाने का काम पूरा हो गया है, और आज रात में मैं यहीं शिखरेश्वर में रुकूंगा और फिर कल सुबह मैं जाऊंगा यहां से। ठीक है, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो नई वीडियो आने वाली है आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।